ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बाइबल पकड़ लेते हैं और चोरियां करते हैं। बोलते हैं हमको फलानी चर्च ने भेजा जी, हमको मम्मा ने भेजा जी, अपनी मुंदरी दे दो जी, अपना सोना दे दो जी, अपना पैसा दे दो। बचो ऐसे फ्रॉड लोगों से, बचो ऐसे ठगों से। आपको मालूम खांबरा चर्च में जब ही भी पैसे की अनाउंसमेंट होगी तो मैं करूंगा स्टेज के ऊपर। अगर आप मुझे मैसेज भी करेंगे फोन पर कि आपको कुछ चाहिए, मेरा कभी रिप्लाई आपको नहीं आएगा। जो भी अनाउंसमेंट मैं करूंगा, वो सीड की हो, वो कुछ किसी चीज की हो, वो ओपनली होगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के जरिए मैं करूंगा। कभी मैसेज नहीं आएगा आपको कि आप 10 लाख भेज दीजिए, 15 लाख भेज दीजिए। और कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बनाए आके कि हमको वहां से हम वहां से आए हैं जी, आपको ऐसा करना है जी, वैसा करना है जी, नो 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 नो। इमेजिन करो ऐसे लोग जो चोर हैं, जो ठग हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा ले रहे हैं, अगर उनमें आत्मिक फर्क ही नहीं है तो आने वाले दिनों में अविश्वासियों से भी बदतर उनकी जिंदगी होने वाली है, मैं जानता हूं। परमेश्वर के घर का जो चोरी किया हुआ वो वंशों से परमेश्वर लेता है, ये छोटी चीज नहीं। हमें डरना चाहिए खुदावंद से। हालेलुया। चर्च मनी पास्टर का मनी नहीं, चर्च मनी गॉड का मनी। पास्टर वहां मैनेजर, सर बैंक में मैनेजर होता है, वो उस पैसों का मालिक नहीं, मैनेजर है वो ध्यान रखता है कि इसकी चोरी ना हो, ध्यान रखता है इसको वेल यूज किया जाए। हालेलुया।